वेलकम टू एडी मोटिवेशंस गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक व्हेन थिंग्स विल चेंज आई बिकम हैप्पी, व्हेन माय सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन चेंज, व्हेन आई गेट अ बेटर सैलरी, व्हेन आई गेट अ बेटर जॉब, व्हेन माय हेल्थ विल रिकवर आई विल बिकम हैप्पी। बट यू नो द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट गाइस, समथिंग डिफरेंट। जब आप बिना मतलब के हंसने लग जाते हो, व्हेन यू रिमेन हैप्पी बिना बात के हंसते हो नाचते हो, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। लर्न हाउ टू रिमेन हैप्पी, बट हाउ? That's all one wants to know. How to remain happy? Eat well, sleep well, work very hard, pray to God, stay away from bad habits, party hard, chant the name of God. Trust me guys, you will always remain happy. Things change when you remain happy. Hi friends, welcome back to Same Design. दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूं। आप देख पा रहे हो ये जो मेरा कंपोनेंट है, शीट मेटल की कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की आज हम ब्लैंक साइज निकालने वाले हैं। आप देख पा रहे हो बहुत टिपिकल सा कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो अलग सा फॉर्मिंग हो रखा है, ये अलग सा शेपिंग है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारा ऑपरेशन हो रखा है, पंचिंग हो रखा है, पियर्सिंग हो रखा है, फॉर्मिंग हो रखा है, ठीक है, स्टैम्पिंग हो रखा है। तो ये सारा ऑपरेशन जो है इसमें हम देखेंगे और इसकी हम ब्लैंक साइज निकालेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, जो वीडियो है उसमें हम सॉलिडवर्क्स के ऊपर बनाए थे, अब एनएक्स के बनाए थे। आज जो है सॉलिडवर्क्स के ऊपर बनाएंगे। कभी कभी हम एनएक्स में भी ब्लैंक साइज निकालते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आज हम जो है सॉलिडवर्क्स में बना के देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जिसको भी लास्ट तक देखना है देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से टूल में मैं प्रोग्रेसिव टूल वगैरह भी कराता हूँ, कंप्लीट जो है प्रेस टूल कराता हूँ। जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह लेना है नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट की हम क्या देखेंगे, थिकनेस देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो कंपोनेंट है इसकी जो मेरा थिकनेस है, हम देखते हैं थिकनेस जो है कितने का आ रहा है आपका, 1.6 mm का थिकनेस आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, 1.6 mm का थिकनेस है। अब इसके हम मटेरियल डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल में जाने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये मटेरियल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको डेंसिटी वगैरह निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए आपको मटेरियल बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टील में रहेंगे, तो SS में जाऊँगा मैं। तो SS में आने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगा स्टेनलेस स्टील में जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे सबसे जो आपका स्टेनलेस स्टील है, तो यहाँ पर मैं जाके कितना डेंसिटी वगैरह है ये डेंसिटी वगैरह देख लूँगा, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करके मैं क्लोज करूँ। तो यहाँ पे मेरा देख लो आप स्टेनलेस स्टील में आ गया है। अब देखो जो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, अब इसकी डेंसिटी क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे वेट निकालना है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जाना पड़ेगा, ये मास प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। तो हम जैसे मास प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आपका जो डेंसिटी बन के आ रहा है क्या आ रहा है, 0.01, ये क्या आ रहा है, मतलब डेंसिटी तो सही नहीं है। पार्ट का वेट जो आ रहा है कितने आ रहा है, 550 ग्राम का आ रहा है, ग्राम में है, ठीक है, मुझे ग्राम में ही सही है। इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा। ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मुझे डेंसिटी है 0.07 ही सही है, लेकिन इसको हम क्या करें अपने हिसाब से जो है चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जाके इसको ऑन करके ओके कर देना है। इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेंसिटी जो है शो हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेंसिटी से आप वेट निकाल सकते हो। जो भी आप मेटेरियल वगैरह यूज़ करते हो ना, उस हिसाब से आपको वेट निकालना है। तो वेट निकालने का जो फॉर्मूला लगती है डेंसिटी लगता है, तो डेंसिटी हमेशा सही निकाल लेना। डेंसिटी सही होगा तो आपकी वेट जो है प्रॉपर निकालेगा, नहीं तो कुछ कंपोनेंट की कुछ वेट ज़्यादा आएगा, कुछ कंपोनेंट का कुछ वेट कम आएगा, तो आप एक्यूरेट साइज वगैरह नहीं निकाल पाओगे, वेट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसको हमने निकाल दिया है, तो यहाँ से हम जो है इसके आप देख पाओगे सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या है, डेंसिटी कितना है, सरफेस एरिया कितना है, सारा चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब मेरे को यहाँ से जो है मिल गया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और देखना है, कभी कभी कुछ कुछ कंपोनेंट में आपको शीट मेटल में जाके कन्वर्ट टू शीट मेटल आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे मेरा सरफेस है, ये मेरा टॉप सरफेस होगा, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूँगा, जो सरफेस होगा मैं यहाँ पे ऑल बॉडी कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे पार्ट कंपोनेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अराउंड 3.5 का जो रेडियस में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सारा चीज़ें सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी कंपोनेंट सिंपल है तो ये वाला आप जरूर करके देख लेना, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ सारा चीज़ें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मैं कितना रेडियस करता हूँ। कभी भी मैं आपको NX में प्रोग्रेसिव टूल वगैरह सिलाते हो, तो कोई भी पार्ट को हम पहले एनालाइज करते हैं ना, तो हर एक चीज़ें कहाँ पे कितना रेडियस है, कितना ब्लेनिश करो, इनर रेडियस क्या है, आउटर क्या है, कितना उसको कटिंग स्ट्रोक चाहिए, सारा चीज़ें वहाँ से निकल जाती है। तो आपको भी यहाँ से जो है आपको ऑटोमेटिकली एक बार कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत सारा ऑपरेशन है, तो कुछ ऑपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है और कुछ स्पेस सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं जो इसकी साइज निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम देखेंगे मेरा कंपोनेंट जो है, मेरा वेट निकल गया, मेरा कंपोनेंट का हमने जो मटेरियल है हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है हमको इसकी ब्लैंक साइज निकालना है। तो ब्लैंक साइज निकालने के लिए आप जो है एक तो सॉलिडवर्क्स में जाके आप यहाँ पे फ्लैटन बॉडी या अनफोल्ड से या फोल्ड से, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है।
इससे करोगे ना तो ये वाला कंपोनेंट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ फॉर्मिंग स्टैम्पिंग वाला ऑपरेशन होती है, तो इस केस में आप वहां से नहीं कर सकते, आपको जो है अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। क्या अलग तरीका यूज करेंगे, हम इसको सरफेस से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या जाऊंगा, सरफेस में जाऊंगा। सरफेस में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस को फ्लैट करेंगे, इसके ऊपर का सरफेस निकालेंगे, ठीक है। सरफेस फ्लैटन में जाएंगे, सरफेस फ्लैटन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट करना है। अभी एक एक सरफेस सिलेक्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएंगे, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट टेंजेंसी ले लूंगा। तो सिलेक्ट टेंजेंसी से मेरा यहाँ पे जितना टेंजेंट है वो सिलेक्ट कर लेगा, फिर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट टेंजेंसी ऑन कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट टेंजेंसी ऑन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरा सारा सरफेस जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपको ये देखना है कि मेरा जो है एक साइड का सरफेस सिलेक्ट करना है, आइदर ऊपर वाला सिलेक्ट कर लो या अब जो है नीचे वाला सिलेक्ट कर लो, लेकिन मेरा जो मास्टर सरफेस है मेरा ये मानूंगा, ये मेरा मास्टर सरफेस है, तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे पता लग गया, क्योंकि आपको ये देखना है, आप नीचे से सिलेक्ट करोगे ना तो आपका गलत बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन होने वाला है मैक्सिमम ऑपरेशन जो है ऊपर से है। देखो आप ऊपर से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, ये मेरा जो पियर्सिंग टूल चलेगा, ये वाला जो मेरा पियर्सिंग टूल चलेगा, ठीक है, इसको कहाँ से चल रहा है, ऊपर से चल रहा है, तो मेरा मास्टर फेस में ये लूंगा जो मेरा मैक्सिमम हाइट में है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर फेस टूल का कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो मैं पंचिंग टूल है, टूल बना रहा हूँ, मैं टूल सिखा रहा हूँ, इसमें कितना डाई क्लियरेंस चाहिए, पंच में कितना क्लियरेंस चाहिए, मैं बैंक ब्लैंकिंग टूल बना रहा हूँ, उसमें हम पंच में क्या क्लियरेंस देंगे, देंगे कि नहीं देंगे या डाई में देंगे वो देखेंगे हम। तो हर एक टूल कराता हूँ, पंचिंग भी कराता हूँ, बेंडिंग भी कराता हूँ, फॉर्मिंग भी कराता हूँ, रिस्ट्रेकिंग भी कराता हूँ, ड्राइंग भी कराता हूँ, कंपाउंड टूल भी कराता हूँ, प्रोग्रेसिव टूल भी कराता हूँ, सारे टूल कराता हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हो। अब देखो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जो यहाँ पे मैंने सारे सरफेस सिलेक्ट कर लिया, सभी सरफेस सिलेक्ट करना है ऊपर वाले फेस का, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपके एंटिटी पूछते हैं, वर्टेक्स पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये पॉइंट बोलता है किस पॉइंट से, मतलब किस पॉइंट से इसको फ्लैट करना चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप कॉर्नर का पॉइंट ले रहे हैं ना, कोई भी आपको कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन मेरा जो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है वो डाउन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम एरिया में पॉइंट लूंगा, जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट मैं ये ले सकता हूँ, इधर मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट लूंगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर के नजदीक पॉइंट ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद एक आपका सरफेस जो है रेप्लीकेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको हमेशा यहाँ पे जो लो कर रखा हो ना, इसको आपको हाई कर देना है। इसको हाई करने से आपका जो भी एक्यूरेसी लेवल हो ना वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये कोशिश करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने से पहले ये जो है आपको इसको हाई कर देना है, ठीक है। इसमें जो आपकी मिसिंग क्वालिटी है ना वो आपका हाई रहेगा, ये प्रॉपर आपका रिजल्ट देंगे। इस तरीके से करोगे ना आपका, तो 92-96% आपका एक्यूरेट ब्लैंक साइज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ब्लैंक साइज निकालना है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो बता देता है उसको साथ हम कैसे करेंगे। अभी इसको पहले होने देते हैं। यहाँ पे अगर आपके एडिशनल एंटिटीज है उसको आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आप देख पाओगे मेरा जो यहाँ पे मैशिंग है, जितना मैशिंग करोगे उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। आपको इसको पहले हम मैशिंग होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेंगे। देखो आपका जो मैशिंग क्वालिटी है, मेरा मैशिंग जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये देखो मेरा जो है ब्लैंक साइज जो है यहाँ पे निकल गया है। अब इसको जो है हम ओके कर देते हैं। जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक मेरा जो ब्लैंक साइज की जो एक साइज होता है, जो मेरा फ्लैटन साइज होता है, वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे। मेरा यहाँ पे फ्लैटन साइज निकल के, ध्यान रखना कुछ कुछ मैंने पॉइंट बताया, ये जो पॉइंट है हमेशा मैक्सिमम एरिया में लेना है और हमेशा कोशिश करना है कोने में रहे, सेंटर पे ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको होने देते हैं, हल्का सा टाइम लगेंगे क्योंकि जो है ये कैलकुलेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने मशीन को देखो ये जो एक्यूरेसी है ना इसको आपको हाई में रखना है, ठीक है। थोड़ा सिस्टम स्लो होगा क्योंकि आपको एक्यूरेसी हाई में रख के काम करना है। दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे जो है मेरा साइज निकल के आ गया है, देख पाओगे। तो अभी जो है ये जो मेरा पार्ट है, इस पार्ट को मैं यहाँ से जो है हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देख पाओगे ये जो है मेरा साइज बन के आ गया है, लेंथ साइज वगैरह बन के आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है सिंपली जो है यहाँ पे जाके थिकन कर दूंगा। थिकन कितना करना है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो है मैंने क्या करा, सबसे पहले जाके मैंने उसकी साइज निकाला ना, कितना साइज का है, थिकनेस कितना का है, सारा चीज़ें मैंने यहाँ से निकाल लिया ना। अब मैं इसको थिकन कर दूंगा। तो थिकन करूंगा कितना डायरेक्शन में, इस साइड में थिकन करना है। ये ऊपर साइड जा रहा है, ये बोथ साइड जा रहा है, ये नीचे साइड जा रहा है, मैं नीचे साइड करूंगा। कितना है, 1.6 mm का थिकन, ठीक है।
तो ये रहा आपका जो है कंपोनेंट है उसकी, अपने ब्लैंक साइज जो है अपने निकल दिया है। अगर इसके कलर को चेंज करना है, अगर आपको इसको अलग से कलर में हाईलाइट करना है किसी को भेजने के लिए, तो आप यहाँ पे भेज सकते हो। अगर आपको होल्स वगैरह चाहिए तो आप होल्स वगैरह भी आप डाल सकते हो, अगर आप होल्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो। तो ये मेरा हो गया आपका ब्लैंक साइज का, और ये मैं इसको शुरू कर देता हूँ। तो ये मेरा कंपोनेंट है और ये मेरा ब्लैंक साइज, आप दोनों को भेज सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसी तरीके से वीडियो वगैरह मैं बनाते रहता हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, वैसे नंबर मेरा मेंशन है, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी तरीके से वीडियो वगैरह मैं बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।